किकी राधे राधे। ओए किकी जय श्री श्याम। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो हमारी किकी हो चुकी है 10 मंथ्स ओल्ड। कहते हैं ना टाइम फ्लाइज, एक्चुअली टाइम फ्लाइज। अभी लग रहा है कि ये कल ही पैदा हुई थी और अभी इतनी बड़ी हो गई है। सो देखिए हमारी किकी खा रही है ओट्स बिस्किट्स। तो किकी जब से 6 महीने की थी तभी से हमने उसे धीरे धीरे ये ओट्स बिस्किट्स विथ मॉनिटरिंग देना स्टार्ट कर दिया था। हम हमेशा ध्यान ज़रूर रखते थे। तो क्योंकि अब किकी 10 मंथ्स की हो चुकी है और कहते हैं कि जब बच्चा 9 मंथ्स का ही हो जाए तभी हमें फिंगर फूड स्टार्ट कर देना चाहिए। लेट देम ईट बाय देम सेल्फ, थोड़ा सा गिराएंगे करेंगे लेकिन उन्हें खुद खाने की कोशिश करने देनी चाहिए। फिर मसाज के बाद हमारी किकी ने ले लिया शार। सो शार कर लेना उसे बहुत पसंद है, ये इसका फेवरेट टाइम है। और मुझसे बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि मैं कौन सा हेयर ऑयल, क्या क्रीम और क्या किकी पर यूज़ करती हूँ। तो आज मैं बताने वाली हूँ, मैं किकी के हेयर पर यूज़ करती हूँ बेबी फॉरेस्ट का ऑर्गेनिक कोकोनट हेयर ऑयल, और मैं यूज़ करती हूँ डर्मा ड्यू का फेस क्रीम, और मदर स्पर्श का बॉडी लोशन एंड मदर स्पर्श का ही मैं बॉडी वॉश भी यूज़ करती हूँ। और किकी के लिए मसाज ऑयल तो फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग में बेबी फॉरेस्ट का ही यूज़ करती आई हूँ। सो जैसा मैंने बताया किकी अब 10 मंथ्स की हो गई है, तो मैं उसे दिन में पूरे 24 आवर्स में एक्चुअली 4 टाइम्स ही फीड करती हूँ, जो कि मैंने पूरा टाइम फिक्स कर रखा है। और 3 टाइम्स में उसे सॉलिड्स देती हूँ, 2 टाइम्स में उसे स्नैक्स देती हूँ। तो किकी हमारी जैसे ही नहा लेती है ना, फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग उसे सोने की आदत है, उसे पावर नैप लेने की आदत है और दूध पीने की आदत है। तो उसी तरीके की मैंने पूरा उसका टाइम सेट कर रखा है। तो किकी ने अभी पिया दूध और मीनवाइल मैंने जाके फटाफट उसके सारे जो टॉयज़ हैं, सिलिकन टॉयज़ हैं जो मैं उसके बाथटब में हमेशा उसे देती हूँ टू प्ले, तो उन सबको मैंने धोया और धोकर मैंने उसे फटाफट लगा दिया स्टरलाइज करने के लिए। ये मैं एवरी 2-3 डेज में ज़रूर कर देती हूँ। ये जैसे ही मैंने सारे टॉयज़ को स्टरलाइज करने लगाया, मैंने देखा हमारी किकी सो चुकी है। फिर किकी के पापा आए नीचे उसे चेक करने, उसे मिलने, और देखा कि हमारी किकी उठ चुकी है फ्रॉम हर पावर नैप। सो ये जब से बहुत छोटी थी ना तब से ये जब भी उठती है विद अ ब्राइट स्माइल हमेशा उठती है। और ये देखिए अभी उसकी नानी उसे खिला रही है वाटरमेलन। तो हम हमेशा उसको इस तरीके से छोटा मोटा स्नैक्स इन बिटवीन देते रहते हैं। सो ये देखिए हमारी किकी को ना ये वायरिंग चार्जर ये सबसे बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। तो हर बच्चों का होता है, बट हमें हमेशा ये मेक श्योर करना चाहिए कि बेबीज़ कहीं सॉकेट में हाथ ना लगाएं और इलेक्ट्रिक वायर से हमेशा दूर रहे, स्विचेस से दूर रहे। और ये देखिए जो चेन है ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा फोबिया है, बट मेरी मम्मा ने उसे पहना रखा है जो मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए मैं हमेशा चेक करती रहती हूँ और हमेशा हमें चेक करते रहना चाहिए। और ये देखिए हमारी किकी आजकल सिपर से वाटरमेलन जूस पीने की कोशिश करती है और वो ग्रेजुअली सीख भी रही है। फिर हो गई थी शाम, और शाम होते ही हमारी किकी का उधम स्टार्ट हो चुका था। हमारे जोजो का जो पानी रखा होता है वो हमेशा जाकर उस पर छप छप करती है, तो मुझे हमेशा ये ध्यान रखना होता है और हमें उसे हटाना होता है। और किकी के लिए आज एक्चुअली H&M से आए थे उसके लिए बहुत सारे कपड़े। एक्चुअली ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गए थे मैंने उसके लिए कोई भी कपड़े नहीं खरीदे थे। सो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं उसके लिए कुछ नाइट सूट्स और हल्के से फ्रॉक्स एंड ऑल समर के लिए ऑर्डर करूँ। और ये देखिए किकी को एक्चुअली जो चीज़ बहुत पसंद आता है ना, वो उसे इस तरीके से पकड़ कर उसे अपने फेस से लगाती है और बहुत प्यार करती है, और इसे ये सारे जो कपड़े हैं वो भी बहुत पसंद आए। सो क्योंकि अभी रात हो शाम हो चुकी थी और हम अब उसे डिनर कराने वाले थे, तो मम्मा ने कहा क्यों ना उसे ये नया कपड़ा पहना ही ले। और ये देखिए कितनी खुश है, इस तरीके से अपना हैप्पीनेस एक्सप्रेस करती है बाय क्लैपिंग। तो बस किकी को फिर हमने कर दिया था रेडी, और इसके बाद मैं बनाऊंगी किकी का डिनर। सो अभी बज रहे हैं शाम के 6, और आज मैं किकी के लिए बनाने वाली हूँ वेजिटेबल सूप। मैं किकी को बाय 7:30 to 8 डिनर करा देती हूँ क्योंकि वो बहुत जल्दी सो जाती है, फिर वो नींद में खाती नहीं है। तो ये जो वेजिटेबल सूप है उसमें मैंने यूज़ किया है पम्पकिन, जो देखिए इस तरीके से मैंने काट लिया है, और मैं उसमें डालूँगी टमाटर और गाजर। आप चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो बीट रूट, आज मेरे पास था नहीं, वरना मैं बीट रूट भी ऐड करती हूँ, फ्रेंच बीन्स भी ऐड करती हूँ, बट सिंस मेरे पास वो सब वेजिटेबल्स थे नहीं, बस यही वेजिटेबल्स थे, तो मैंने आज इन्हीं सबसे किकी के लिए बनाया है बहुत ही यम सा वेजिटेबल सूप। गाइस इट्स टोटली डिपेंड्स आप कितने वेजीज इसमें डालना चाहते हो, मेरे पास आज इतने ही अवेलेबल थे तो मैंने उसे फाइनली चॉप कर लिया। फिर चॉप करने के बाद मैंने एक सॉस पैन लिया और उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला, पानी डाल के उस पानी को अच्छे से बॉयल होने दिया, फिर मैंने ऐड कर दिए वो सारे वेजीज़।
सारे वेजीज अच्छे से उबल जाएं, तो मैंने थोड़ा सा नमक डाला, पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच ऑफ टर्मरिक। और मीनवाइल जब ये सब्जियां बॉईल हो रही थी, मैंने देखा कि मेरा आ गया था कूरियर, जो कि मैंने किकी के पेट्स के बेबी प्रूफिंग के लिए मंगाया था फ्रॉम अमेज़न। फिर देखा मैंने सब्जियां जो बॉईल हो चुकी है, मैंने उसको ट्रांसफ़र किया एक जार में ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर मैं उसे ब्लेंड करूँ। फिर बस मैंने सारी सब्जियों को अच्छे से कर लिया था ब्लेंड। ब्लेंड करने के बाद मैंने एक सॉस पैन लिया, उसमें मैंने डाला अच्छे से घी। और ये देखिए, अच्छे से घी डालना चाहिए, सूप में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर उसमें मैंने डाला थोड़ा सा जीरा, आप चाहे तो हिंग पाउडर भी डाल सकते हो, आज मैंने नहीं डाला है। फिर उसके बाद मैंने ये जो पूरा मिक्सचर था हमारा, वो मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपको हार्डली 2 to 3 minutes ही उसे बॉईल करना है, बस ऐसी कंसिस्टेंसी रखिए आप ताकि बेबी अच्छे से खा पाए। और बस ये देखिए हमारा सूप है रेडी, जो कि बहुत ही यमी है और कीकी को ये सूप बहुत पसंद है। इसमें थोड़ा सा बटर भी मैं ऐड करती हूँ, विच इज़ वेरी गुड फॉर बेबीज एंड अच्छा टेस्ट आता है। बच रहे थे 7:30 और मुझे कराना था कीकी को डिनर। मुझे कीकी को डिनर कराने में एटलीस्ट 45 to 1 hour लग जाता है, क्योंकि उसके बहुत टैंट्रम्स होते हैं। फिर उसके बाद हमारी कीकी ने कर लिया था पॉटी, तो मैंने कहा मम्मा आप इसे क्लीन कर दो, क्योंकि उसकी नींद का भी टाइम हो गया है। मीनवाइल मैं जो ये बेड के एजेस हैं उसे बेबी प्रूफिंग कर दूँगी, वरना लाइट्स ऑफ हो जाएंगी और फिर मैं नहीं कर पाऊँगी। तो बस कीकी हो रही थी क्लीन और मैं फटाफट ये जो एजेस हैं इसको बेबी प्रूफिंग कर रही थी। ये जो प्रोडक्ट है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जिसे मैंने अमेजन से ऑर्डर किया था। रेस्ट ऑफ द एजेस एंड जो भी है हमारे घर में कॉर्नर्स हैं, उसके लिए भी मैंने यही ब्रांड का अमेजन से मंगाया था। ये वाला थोड़ा थिक है और ये 3 mm है, बट ये मैंने 3 meters ही मंगाया, जो कि मेरे बेड के सिर्फ एक ही साइड में आ पाया। तो रेस्ट ऑफ द साइड्स के लिए मुझे और भी ऑर्डर्स करने पड़ेंगे। बस मीनवाइल देखिए, मैंने देखा कि कीकी को आ रही है बहुत ही ज़्यादा नींद और मुझे अब लाइट्स ऑफ करना ही पड़ेगा, क्योंकि वरना जब तक हम लाइट्स ऑफ ना करें हमारी कीकी सोती नहीं है। तो बस फिर मैं चली गई थी कीकी को सलाने के लिए। सो अराउंड 8:30 to 9 o'clock हमारी कीकी सो चुकी थी, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है। फिर उसके बाद मैं चली गई थी बाहर और इसी टाइम को मैं यूटिलाइज़ करती हूँ एडिटिंग एंड ऑल के लिए। सो गाइज, अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी कहें।